आज के सत्संग की शुरुआत के लिए मैं इनवाइट करूंगा सरिता चंद्र छाबड़ा आंटी को कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन। गुरुजी की संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु साहिब आपका अनंतम शुक्राना सत्संग सेवा की यह दात झोली में डालने के लिए। थैंक यू कुणाल अंकल, विक्रम अंकल, थैंक यू मंदिर मैनेजमेंट जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, और गुरुजी के सभी सेवादार, आप सबको बहुत बहुत थैंक्स जो आप जूम के जरिए गुरुजी की महिमा संगत को कहने और सुनने में सहायक हो रहे हैं। सबका बहुत बहुत थैंक यू और गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स को हम अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कर पा रहे हैं। गुरु पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय में दिनों जन्म जन्म की मैल गई। सच में गुरु जी आपके साथ हमारा जन्मों जन्मों का नाता है, इस एक जन्म का नहीं। कौन से जन्म में किस रूप में आपने हमारा हाथ थामा था हमें नहीं पता, लेकिन इस जन्म में इस इंसान रूपी जब शरीर को लेके हम आपके सामने आए और आपने हमारा हाथ पकड़ा, तो वाकई ही लगता है कि किसी जन्म में कोई पुण्य कर्म जरूर किए होंगे जो आपने हमें अपने श्री चरणों में बुलाया। गुरुजी इस लाइफ टाइम में आपने किसको कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, ये सब समय भी आप ही डिसाइड करते हैं। हम पर गुरु जी की कृपा हुई महाशिवरात्रि के दिन, फरवरी का महीना था, गुरु जी का एक मैसेज मिला, इनवाइट मिला, और हम उनके दर्शनों के लिए शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर पहुंचे। महाशिवरात्रि के उस फंक्शन के बाद मन में इतनी इच्छा हुई, और वो इच्छा शायद इतनी बढ़ गई कि बस ये हो कि हम अगला दिन फिर से आए और हम गुरुजी के चरणों में पहुंचे। तो जो आंटी ने हमें वो इनवाइट दिया था, हमने उनसे पूछा और उन्होंने हमें एम्पायर स्टेट का बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी वहां बैठते हैं, आप चलना, हम इकट्ठे चलेंगे। सो संगत जी, इस लाइफ टाइम में इस तरह गुरुजी के साथ शिवरात्रि के दिन इस जन्म में हमारी जर्नी शुरू हुई। जब हम एम्पायर स्टेट गए, रास्ते में फ्रॉम एम्पायर स्टेट का गेट से जो गुरुजी का छोटा मंदिर का गेट है वहां तक पहुंचने में आंटी ने खट खट हमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस दे दी कि पानी आपको बाहर ही मिलेगा, जब अंदर जाएंगे गुरुजी कहीं भी बैठे हो सकते हैं, वहां पे चाय प्रसाद मिलेगा वो जरूर ले लेना, और सुधांशु को बोल देना कि वो चाय के लिए मना नहीं करेगा, बिकॉज जनरली यंगस्टर्स अभी ये स्कूल से शायद निकला ही था या अभी स्कूल में था, तो वो चाय जरूर पी लेगा, और जो चीज वहां मिलेगी उसे फिनिश करना है। जब लंगर आएगा वो चार की थाली में आएगा, अंकल और सुधांशु तो नीचे बैठ के लेंगे और आपको सिंगल थाली में, बिकॉज आप नीचे नहीं बैठ पाओगे। उसके बाद आंटी ने मुझे एक बड़ी मेजर इंस्ट्रक्शन दी कि आजकल गुरुजी किसी से बात नहीं करते हैं, बट ही इज ब्लेसिंग एवरी सिंगल पर्सन। उनकी मर्जी होगी वो आपको बुलाएंगे, बात करेंगे, नहीं तो आपने उनसे खुद कोई बात नहीं करनी, कुछ बताना नहीं, कुछ पूछना नहीं। सो इन सब इंस्ट्रक्शंस के साथ हम एम्पायर स्टेट में गए, और जैसे जैसे हमें आंटी ने बताया था हमने कोशिश की उन चीजों को फॉलो करने की। उस समय गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे थे, बाद में शब्द गुरबानी चल गई और गुरुजी उसके बाद चोला चेंज करके आ गए। मैं गुरुजी इन चीजों पे ना कुछ कुछ मुझे लगता है मैं बीच में आऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने उस दिन हमसे जितनी बातें की उसके जवाब हमें कुछ कुछ समय के बाद
या कहो कि कुछ चीजों के जवाब अभी भी मिल रहे हैं और कुछ के जवाब अभी मिले भी नहीं है. सो आई ट्राई कि मैं उन चीजों को कोरिलेट कर पाऊं. सो जब वहां पे गुरुबानी चल रही थी, शबद कीर्तन, उसके बाद में लंगर के लिए ओम नमः शिवाय के जो एक भजन चलता है गीत, वो चला. उस समय पर मंत्र जाप नहीं होता था, आरती केवल बड़े मंदिर में होती थी फंक्शन वाले दिन में, बट इट वॉज नॉट द रेगुलर नॉर्म. और गुरुजी के इशारे से ही जनरली डीजे अंकल कभी पंजाबी फोक, कभी सूफी, कभी कोई भजन, इस तरह से कुछ भी चला देते थे. बट उस वक्त उस दिन ओम नमः शिवाय चला और सेवादारों ने कुछ संगत को बाहर भेज दिया, कुछ को आमने सामने फेस करके बीच में मैट बिछा के और चार चार की थाली में लंगर आया. और जैसे आंटी ने बताया था कि लंगर के बाद में बाहर जाके हाथ धोएंगे, फिर आके गुरुजी से आज्ञा लेके और घर जाना है. और ये गुरुजी की सारी संगत को एक इंस्ट्रक्शन होती थी कि संगत तो बाद सिद्धे कर जाना है, बाहर किथे रुक के या जो भी, उसका वही था कि आप अपने ब्लेसिंग्स लेकर अपने घर जाइए. हम लोगों ने भी वैसे ही किया. जैसे लंगर मिला, हम लोग लंगर करके उसके बाद गुरुजी की आज्ञा लेके और फिर अपने घर को गए. उस टाइम पे गुरुजी ने, आंटी ने तो कहा था गुरुजी से कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, लेकिन गुरुजी ने उस दिन बड़े बड़े अलग तरह के रूप दिखाए और खूब बातें की तीनों से ही. उस समय गुरुजी के एक सीधा घर जाना है वो निर्देश पता था, दूसरा ये था कि मोबाइल अलाउड नहीं थे वहां पे, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, सेवादारों को भी हमने देखा सिर्फ आंखों के इशारे से बात करते थे. उस दिन हमने गुरुजी को बड़े अलग अलग रूप में देखा. जब रेगुलर पेन टी शर्ट में बैठे थे उस समय, इट वॉज ही वॉज जस्ट लाइक एक फादर फिगर, भाई, दोस्त. वो बानी की वो लाइन जैसे आती है ना, मात पिता बंधप सुत, तो वो सारे रूप उनमें अलग अलग दिखते रहे. लेकिन जब वो एक मनमोहित से चोले में बाहर आए, आसन पर विराजे, तो उनका वो बड़ा ही एक अलग दिव्य रूप था. उनका स्पर्श, उनकी आवाज, उनके हाव भाव, हर एक चीज, उनका रूप दर्शन, मुझे लगता है वो हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते. तो उस गुरुजी ने इतनी सारी चीजें दिखानी शुरू की उस दौरान में कि वो खूबसूरत सा जो एहसास है, वो स्मृतियां, वो यादें आज भी हमें भाव विभोर करती हैं. वो लम्हे आज भी इतने ताजा हैं हमारे मन में कि जैसे हम इस समय वहीं पर हैं, उनके सामने खड़े हैं और वो हमसे बात कर रहे हैं, हमसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ कुछ बता रहे हैं. और संगत जी, ये ऐसी धरोहर है कि दुनिया के सारे खजाने उसके सामने कम हैं. हम उन उस दर्शन के बाद, या जैसे बड़े मंदिर में दर्शन हुए, ये सब चीजों के बाद मन में एक इतनी खुशी की लहर थी. जबकि हम ऐसे परिवार को बिलोंग करते हैं, आर्य समाजी बैकग्राउंड से थे, लेकिन घर में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि दादाजी हमें बहुत छोटे से में थे when I lost my grandfather, लेकिन मुझे आज भी उनका उंगली पकड़ के गुरुद्वारे जाने का याद है, क्योंकि वो छोटा सा 2-3 साल का बच्चा, सिर पे चुन्नी लपेटी हुई, एंड विद हिम आई एम गोइंग टू द गुरुद्वारा. या घर में मम्मी हवन करती हैं, तो कभी ये नहीं था कि किसी पंडित को बुला के हवन करना है. जो चीज होती थी, कोई रिचुअल्स नहीं, लेकिन एक फीलिंग के साथ घर में होता था. सो वो बचपन की कुछ यादें उस समय ताजा हुई और इतनी खुशी हो रही थी कि हर समय मन करे कि उनके बारे में बात करें, उनके बारे में कोई हमें कुछ बताए. अब वो क्या बताए, वो हमारे मन में कुछ नहीं पता था, बस ये था कि उनके नाम की उनकी कोई बात हो. जो आसपास हमारे 2-3 संगत और रहते थे, उनके साथ बात होती रहती थी. तो एक दिन एक संगत से पता चला कि गुरुजी यूजुअली कई संगत को ये चीज बोलते हैं, आंधे रेया करो,
या थोड़ी एडमिशन हो गई। अब हम लोगों को गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा था। मैं चंद्र जी से पूछूं, आपको गुरुजी ने कुछ ऐसा बोला? मुझे तो कुछ याद नहीं है, बिकॉज जिस वक्त गुरुजी बातें कर रहे थे हम वैसे तो ट्रांस में थे और मैकेनिकली गुरुजी की बातों का जवाब दे रहे थे। तो ये भी कहने लगे, कहते नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं याद कि कुछ कहा हो गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी ने बातें बहुत सारी की और बड़ी बहुत प्यारी सी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ गुरुजी आशीर्वाद भी दे रहे थे। क्योंकि संगत जी, शायद मैंने पहले का सत्संग में ये चीजें शेयर की हैं कि अंकल का कनेक्ट गुरुजी के साथ पहले विजिट पे, जब शिवरात्रि के दिन हम बड़े मंदिर में थे, अंकल कुड कनेक्ट विद गुरुजी देयर। मैं शायद उस दिन कनेक्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ी सी अपने आप को ही जैसे संभालती हुई उसमें चल रही थी। लेकिन अंकल के लिए उस दर्शन का आज भी ऐसा आधार है कि वो कहते हैं मैं अभी भी आंख बंद करता हूँ और मन से एक बारी भी गुरुजी होता है तो ऐसे लगता है मैं वहां बड़े मंदिर में खड़ा हूँ और गुरुजी सामने बैठे मेरी तरफ देख रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी की इतनी बड़ी खूबसूरती कि वो हर संगत को ये फीलिंग देते थे। ये चीज भी हमें बाद में पता चली, क्योंकि जब मैं एम्पायर स्टेट में बैठी थी मुझे लग रहा था बार बार गुरुजी मेरी तरफ देखते जा रहे हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे और संगत से बात होना पता चलना, गुरुजी यूज्ड टू गिव दैट फीलिंग टू ईच एंड एवरी संगत। और जैसे मैंने पहले बोला, जन्म जन्म का रिश्ता है, ये वाकई ही इस शरीर का नहीं, एक आत्मा और परमात्मा का रिश्ता। और वो आत्मा कितनी निहाल होती है अपने परम पिता को सामने देखकर, वही शायद हमारा उस समय वो हाल था। और जनरली उस समय लोग ये भी, आज भी सत्संग जैसे सब सुनते रहे बीच में, सबकी यही बात होती है कि गुरुजी के पास जाने का कोई ना कोई कारण होता है। कभी कोई किसी को कष्ट है, कोई तकलीफ है, या शायद कोई ऐसा समय आने वाला है जो गुरुजी आपको अपने पास बुलाते हैं। और हमें शुक्राना गुरु साहिब, आपने अपनी दिव्यता की झलक दिखाकर हमें बुलाया था, क्योंकि जो हमें इनवाइट मिला था शिवरात्रि का, उसके ऊपर ओम और एक ओंकार बना हुआ था जिसने हमें गुरुजी की तरफ बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, डोरी से बांध कर खींच लिया था। और उस दिन जिस धागे से हमें गुरुजी ने बांधा था, वो धागा उनकी कृपा से हर आने वाले दिन के साथ मजबूत होता गया। और आज वो डोर हमें उनके साथ बांधे है। और मेरी हाथ जोड़ के गुरु साहिब से प्रार्थना है कि गुरुजी, ये डोर ऐसे मजबूती से बंधी रहे हमारी आखिरी सांस तक, क्योंकि हमें ना आगे का कुछ पता है कि आगे कहाँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको सब पता है कि आगे क्या पीछे क्या। तो बस गुरुजी, हर पल हमें अपनी शरण में रखना और हमारा हाथ थामे रखना। तो संगत जी, आज हम जब वो धीरे धीरे भी जब पीछे गुरुजी की बातें हम सोचने लगे कि गुरुजी ने ऐसा तो बोला नहीं, तो या उनके बारे में कभी कुछ सोचना, तो कुछ कुछ तो ये लगने लगा कि जो गुरुजी ने ठीक समझा वो हमें उस समय बताया, जो जब ठीक समझेंगे वो तब हमें बता देंगे। इसी तरह वो जो एडमिशन का वर्ड था जो उस समय बहुत हमारे कानों में गूंजा करता था, उसका गुरुजी ने हमें तकरीबन 2011 के पास आके जवाब दिया, मे बी 2010 था या 11, के घर पर हर 13 को जो सत्संग होता है उसमें गुरुजी की कृपा से कोई ना कोई पुरानी ऐसी संगत आती थी जो संगत के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती थी। उस दिन आई रिमेम्बर नरेश गुप्ता अंकल सत्संग कर रहे थे और हम लोग अपनी यूजुअल सेवा में, लेकिन होता है कान गुरुजी की महिमा पर थे, क्योंकि गुरुजी ने जैसे दिखाया कि तुहाडा शरीर, तुहाडे हाथ पैर कान सब अपना अपना काम करन, लेकिन मन चित तुहाडा गुरु दी बाणी विच, गुरु दी महिमा विच लगना चाहिए। सो उसमें अंकल के बोले हुए
एक दो वर्ड कान में जो पड़े उसमें एक वर्ड एडमिशन भी आया और एक वर्ड प्रमोशन भी पड़ा। तो आप नेचुरली बीच में जाके आप सत्संग नहीं इंटरप्ट कर सकते, लेकिन जैसे ही संगत गई तो हमने अंकल से कहा कि अंकल आप प्लीज वो सत्संग का पोर्शन दोबारा बताओ। तो अंकल हंस पड़े, कहते हैं जब रात को गुरु जी कुछ लोगों को रोक लेते थे तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए कहते हैं आंटियां ने बड़ा दुखी किया है, लोगों को कहती हैं हमारी तो एडमिशन ही नहीं हुई और प्रमोशन करा के ले जाती हैं, कहती हैं एडमिशन नहीं हुई। तो गुरु जी वो मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन ये हुआ कि हाँ गुरु जी ने कहीं कुछ कनेक्ट किया है, हमें शायद नर्सरी केजी से किसी पहली दूसरी में बिठा दिया है, तो इसका मतलब एडमिशन तो हुई हुई है। सो छोटे बच्चों की तरह हम उस बात पे भी खेल गए। तो मैं उस सत्संग का ये सिर्फ वो पोर्शन सुनाया जो हमारे मन की दुविधा से रिलेटेड था, क्योंकि जैसे हमेशा कहते हैं सत्संग सुनाने का बेसिक मकसद यही होता है कि एक तो हम गुरु की वडियाई कर सकें, दूसरा उस सत्संग में किसी ना किसी को किसी तरह से कोई टेक अवे मिले गुरु महाराज की तरफ से, कोई उनका प्रसाद मिले, कोई उनका मैसेज मिले। तो हमें उस सत्संग से ये मैसेज मिला। लेकिन अभी वो दूसरा वर्ड घूम रहा था कि गुरुजी ने तो ये भी नहीं कहा था कि आंधे रहा करो। तो उन दिनों में जैसे इवनिंग में हम लोग आपस में बात कर रहे थे गुरुजी की, तो एक उस दिन आंटी कहती है एक अंकल का नाम लेके, पता आज गुरुजी कहते हैं उनका नाम लिया उन्होंने, ते एक बारी आके थक गया उन्हों कहीं आएगा। मैंने भी हिम्मत करके आंटी से पूछ लिया, आंटी गुरुजी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि आप तो वहीं बैठे थे और आपने बताया था कि भाई हम लोग पड़ोसी हैं, क्योंकि गुरुजी ने वर्ड यूज किया था गवांडी हो। तो आंटी कहती नहीं उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने उनको हिंट भी दिया कि आंटी गुरुजी बहुत ड्रीम्स में आते हैं आजकल, बहुत बातें करते हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन उस चीज का आंटी ने कोई उस समय मुझे ऐसा जवाब नहीं दिया। लेकिन मेरी उन दिनों फिर गुरुजी से जैसे टेलीपैथिक कन्वर्सेशन चलती रहती थी, क्योंकि एक्सीडेंट हमारा 1981 में हुआ था और वो उस समय गुरुजी ने मुझे और चंद्र जी को नई लाइफ दी थी, हम दोनों को। इट वॉज नियर फेटल एक्सीडेंट और हम दोनों के लिए वो दूसरा जन्म था, और वो चीज गुरुजी ने हमें धीरे धीरे करके बाद में दिखाई भी थी, क्योंकि वो टाइम था जब मैं डिविनिटी से 81-82 में बिल्कुल कट गई थी और मेरा हर चीज में भगवान जी से नाराजगी जाहिर होती थी। दैट वॉज द टाइम जब मेरे पापा ने मुझे ओम पर फोकस करना सिखाया था। जैसे हम कहते हैं ना, जब बच्चा जन्म लेता है माँ और उसके बाद उसके पिता उनके पहले गुरु होते हैं, तो ये तो हमें पूर्ण गुरु मिले कि हमारा सौभाग्य था, लेकिन उस पहले गुरु ने जिस परिवार में गुरुजी ने हमें भेजा वहां पे जोत के ऊपर फोकस करना उन्होंने सिखाया, उन्होंने मुझे ओम पे फोकस करना सिखाया। मम्मी मेरी जो रोज अमृत वेले गुरुद्वारे में, क्योंकि एज मेरे दादाजी गुरुद्वारे जाते थे तो मम्मी ने उनका बिल्कुल वो ले लिया था और वो सुखमनी साहिब जी का पाठ किया करती थी, तो वो वहां पढ़ना सुनना। और उसके बाद उन्होंने मुझे गुरु साहिब का जो हुक्मनामा गुरुद्वारे में होता था उसका भाव बताना। तो आज कई बार ये चीजें लगती हैं कि गुरु जी ने वो बीज कब से सींचने शुरू किए थे जो हमें नहीं पता चलता, एंड व्हेन वी लुक बैक तो वो हमारी जर्नी कैसे स्लोली स्लोली रिवील होती है, और उसके बाद हमारी लाइफ का पर्पस गुरु साहिब रिवील करते हैं कि आप यहाँ क्यों हो। अभी भी हमारी वो दुविधा चल रही थी कि इतना सब तो हो गया, आंटी ने ये भी बोला, लेकिन हमें अभी आंधे रहो वाला मैसेज नहीं मिला। तो मुझे चंद्र जी एक दिन कहते हैं हंस के कि देखो गुरुजी ने बोला ना मंगो नहीं मनो, लेकिन तुमने तो गुरुजी से मांग लिया ना और कह दिया उनको कि मेरे लिए गुरुजी आना बड़ा मुश्किल है, आप मेरे घर आ जाओ। आप देखो उन्होंने तुम्हारी बात मानी है, तुम तो कम जाते हो, अब गुरुजी तभी तुम्हारे ड्रीम्स में आते हैं, अब देखो कभी घर भी आएंगे। संकट जी उस समय हमें नहीं पता था
कि हमारे घर में ये चंदन की या हवन की खुशबू कैसे फैल जाती है। तो कभी कभी इन्होंने ऑफिस से आना, शाम को कहना कि यार हमारे घर तो कभी चंदन की अगरबत्ती नहीं आई है, तो ये इतनी चंदन की खुशबू कैसे है। बहुत बाद में जाके जब धीरे धीरे छोटे छोटे सत्संग शुरू हुए और हमें गुरु के एक्सपीरियंसेस लोगों के सुनने में मिले, तब पता चला कि गुरु जी की कैसी खुशबू होती है। गुरु जी के समय में भी सुनते थे ये बात, लेकिन हमने उस समय वो खुशबू इस तरह से महसूस नहीं की थी जो हम घर में करते थे, क्योंकि गुरु जी के वहां जो मैंने कभी कभी खुशबू महसूस की थी वो गुलाब की थी, हवन या चंदन की नहीं थी। पर बाद में ये पता चला कि गुरु जी के दसों द्वार की खुशबू अलग अलग है। तो ये उनकी महिमा है, उनकी कृपा है, वो जैसी आपको एक फील देना चाहते हैं। तो किसी किसी वक्त, क्योंकि हम लोगों के घर के वहां एक ग्रीन बेल्ट एरिया था, तो मोरों की आवाज आने लग जाती थी। सर इस तरह से हमें, मेरे को इन्होंने जो चीज बताई तो मुझे अपने ऊपर हंसी भी आई, क्योंकि जिस दिन एम्पायर स्टेट में बैठे थे और जब वो शब्द चल रहा था, मेहरा वाले साइयां रखी चरना दे कोल, और मैं बहुत दूर बैठी थी गुरु जी से, बेचैनी में बीच बीच में उठी भी थी, और उस वक्त उस बेचैनी में मैंने ये गुरु जी से कहा था कि गुरु जी तुहानू पता मैं इन्नी औखी होके इन्नी मुश्किल नाल इत्थे आई हाँ, मैं तुहाडे दर्शन नहीं कर पा रही, बस तुसी मेरे घर आ जाओ, मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा। ते इसी तरह मतलब हम गुरबानी चला देंगे, हम चाय बना देंगे, और हाँ गुरु जी मैं हलवा प्रसाद भी बना दूंगी। संगत जी इफ आई रिकॉल, उन दिनों में हम प्रसाद वर्ड, शुक्राना वर्ड इस तरह की चीजें नहीं यूज करते थे, चाय बना लेंगे, हलवा बना लेंगे, और नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी तो बहुत बाद में शुरू हुआ कहना, उस समय हम सब नमस्ते ही करते थे एक दूसरे को। सो संगत जी इस तरह से वो आंदे रहो का भी थोड़ा थोड़ा सा कुछ समझ आने लगा कि गुरु जी ने कहा जब तुम मैनू मांग के जा रही है, मैनू आना पैना उत्थे, ते हुण तैनू की कवां तू इत्थे आ। तो वो छोटी छोटी चीजों में ना बच्चों वाली खुशी आ जाती थी। 2007 में गुरु जी ने चोला बदला, और उस समय हमारे आसपास सत्संग शुरू हुए थे, लेकिन इस बीच में गुरु जी का कृपा प्रसाद झोली में आता रहा। पर उस समय भी आई रिमेम्बर हमारा बेटा सुधांशु, वो गुरु जी के जाने से बहुत डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि 2003 में मेरे पापा गुरु जी के चरणों में गए, तो ये हर समय कहता था वो इतना प्यार करते थे सबको, वो चले गए, अब गुरु जी प्यार करते थे वो भी चले गए, ऐसे कैसे होगा। तो गुरु जी ने भी बहुत, जैसे कहते ना, हाथ थामा हुआ था, तो ये कभी उदास हो जाता कभी खुश हो जाता। उस समय आई थिंक इसने फिर अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन किया था। बस गुरु जी का कृपा प्रसाद इसी तरह इसको मिलता रहा, ये बड़े अच्छे से इसकी पढ़ाई हुई, अंकल को गुरु जी ने जॉब में, अच्छी जॉब में चेंज करवाया, और ऐसे ही ना जाने कितनी सीन और कितनी अनसीन ब्लेसिंग्स उनकी हमारी झोली में आती रही, जिसके लिए गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राने आपके। दिसंबर 2009, बीच में बहुत सारी चीजें हुई, नॉट वन, मतलब गुरु जी ने दुनियावी ब्लेसिंग्स भी दी, बट एज ऑलवेज गुरु जी ने कहा कि पहले मैं लाइफ देना, फिर मैं तुहानू हेल्थ देना, उस तो बाद दुनियावी चीजां ते नाल नाल आपे आनगियां ही आनगियां। तो संगत जी 2009 दिसंबर में हमें गुरु जी ने एक बहुत बहुत बड़ी दाद झोली में डाली, जिसके लिए तो गुरु जी ने हमेशा आखिरी सांस तक ऋणी बना लिया अपना। हमारे दो मोबाइल फोन्स में गुरु जी ने एक शेड्यूल सेट किया, जो इनिशियली हमें लगा कि कोई मैसेज है गुरु जी का, क्योंकि उस चीज का जवाब एयरटेल की टेक्निकल टीम भी नहीं दे पाई थी। उसमें एक डेट लिखी हुई थी 13/12/2009, उसके बाद टाइम लिखा हुआ था 4 PM 1600-1800, और उसके नीचे लिखा हुआ था गुरुजी।
और जब बाद में वो खोला था, डिटेल समझी थी, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था टू बी रिपीटेड एवरी मंथ। अब मुझे याद नहीं है उसमें क्या लास्ट डेट थी, टिल आई थिंक वो कैलेंडर एंड वाला कुछ था। तो 13th को 2010 से ये सत्संग की लड़ी गुरुजी ने शुरू कराई, और उनकी कृपा से आज भी 3:45 पर, शुरू शुरू में मैं हमेशा कहती थी 4:45 बजे कि 4 से 6 का टाइम है, 4:45 बजे अलार्म बजता है, तो गुरुजी के एक वचन याद आए कि 4:45 कदे नहीं कहीदा, टाइम बधा के दसी दा। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड सेइंग 3:45। सो आज भी वही 3:45 पर फोन पर अलार्म बजता है और शुक्राना मालिक सत्संग शुरू होता है। गुरुजी इस पेंडेमिक के टाइम में भी लास्ट ईयर अप्रैल 2020 से आज तक गुरु महाराज की बड़ी मेहर है कि कलेक्टिव में सब संगत अपने अपने घर से यह सत्संग कर रही है। गुरुजी की जो उन्होंने शब्द वाणी की सेवा दी थी, संगत जी जो मैंने मांगा था गुरुजी से कि गुरुजी ऐसे ही वाणी चलाएंगे, आप हमारे घर आ जाओ, तो वो एक प्लेलिस्ट ऑडियो बनता है, संगत के पास जाता है, और गुरुजी कितनी नई संगत को गुरुवाणी के साथ उस वक्त कनेक्ट कर रहे हैं, जो हमें संगत के मैसेजेस से बाद में पता चलता है। अगर प्लेलिस्ट को थोड़ा सा डिले हो जाए तो संगत के मैसेज आने लगते हैं कि आंटी आगे से संगत के मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि अभी तक ऑडियो नहीं आया। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी ने कितनी कितनी सारी दातें देनी शुरू की, गुरुबानी समझानी शुरू की। उन्होंने ये भी कहा कि बानी को समझो। एक्चुअली जैसे मैंने पहले कहा, ये जन्मों का नाता है और सोल टू हर सोल का एक अपना कार्मिक बैगेज है, और हर सोल के लिए उनका अपनी अलग ब्लेसिंग है। मेरी सोल के लिए अलग है, अंकल की सोल के लिए अलग है, बेटे की सोल के लिए, मतलब गुरु जी ने एक सेम चीज किसी के लिए नहीं है कि अगर किसी को गुरु जी ने कहा ये कलर नहीं पहनना तो इट इज नॉट कि वो सब संगत के लिए लागू हो जाएगा कि उन्होंने भी नहीं पहनना। तो कैसे उनकी मेहरों का, उनकी ब्लेसिंग्स का कितना बखान करे आदमी, बहुत बहुत कम है हमारे पास शब्द उन सब मेहरों को बताने के लिए। मेरे केस में गुरु जी ने बहुत बारी पाठ करने के लिए कहा, मुझे नहीं समझ में आता था, क्योंकि गुरु जी ने एक बारी तो ये कहा, जब मैं तेरे कोल हां ते तेनु पाठ करन दी की लोड़ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरे को कहा पाठ कीता कर। तो इस चीज से ही समझ में आया उस समय संगत जी कि ये अगर मुझे किसी वजह से पाठ करने को बोला है और दूसरे को नहीं बोला, हो सकता है उसको कोई और सेवा दी हो, कुछ और चीज हो उसके लिए। लेकिन हमें उन चीजों में नहीं जाना, हमें सिर्फ ये जाना कि गुरुजी हमें क्या कह रहे हैं। उस समय गुरुजी की वो बात याद आती थी हमेशा, डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ विच कोई नहीं है। और वो डायरेक्ट कनेक्शन मतलब समझ में नहीं आता था कि डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, 1-to-1। पर धीरे धीरे वो चीज समझ में आने लगी कि जब हम कलेक्टिव बैठे हैं तो हम सबकी एनर्जीज जुड़ के वो सब एक ऑरा बन रहा है, सब चीज अलग है वो। लेकिन जब हम गुरुजी के साथ बैठे हैं तो वो हमारा, जो हम सिर्फ गुरुजी और मैं दो जने बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, उस समय तीसरा कोई नहीं है। और जो बड़े मंदिर की, गुरुजी के आश्रम की, वो गुरुजी की जो बताई हुई बात पे है, वो आज भी वही चीज है कि बीच में गुरुजी के साथ कनेक्ट करने के लिए कोई और नहीं है, ये आपका 1-to-1 कनेक्ट है। क्योंकि गुरुजी ने 1-to-1 का कनेक्ट का, जो मुझे उस समय लगा कि ये सोल का परमात्मा के साथ में एक बातचीत है। एंड इफ संगत जी आप बिलीव करोगे, इट्स सच अ ब्यूटिफुल मेडिटेशन।
कि उस समय जब आप अपने गुरुजी के साथ मेंटली बातें करते हो, आप टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो दुनिया से, आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ पे हो। और ये उन्हीं की मेहर होती है, इंसान के बस की बात नहीं है। तो यही कहते हैं कि गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, आपके बुलावे के बिना हम मंदिर नहीं पहुंच सकते, आपकी कृपा के बिना हम पाठ नहीं कर सकते। लेकिन गुरुजी ने मुझे जो शिव पुराण के लिए ही, जैसे संगत को गुरुजी ने बहुत संगत को बोला, दिस वॉज अ यूनिवर्सल मैसेज, क्योंकि कुछ मैसेजेस हैं जो इंडिविजुअल हैं, लेकिन शिव पुराण का पढ़ना जो है गुरुजी का, ये बहुत संगत को उन्होंने शिव पुराण ब्लेस करके भी दिया और शिव पुराण पढ़ने को भी कहा। लेकिन अभी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, जब एक विजन में, जब मुझे उस समय भी गुरुजी ने एक संगत को भेज के पाठ करने के लिए बुलाया था, बट मुझे उन्होंने उस समय रामायण, क्योंकि जब वो खोला था एक सुंदर सा रुमाला, तो उस रुमाले में रामायण की पोथी थी, और मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि बाद में मेरी उस चीज को खोलते में नींद खुल गई थी। तो मैंने अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी ने आज ये दिखाया है, तो इसका क्या मतलब है। कहते मे भी तुम रामायण का पाठ करते हो तो देखो कुछ होगा उसमें, उसको खोल के देखो। और संगत जी, जब हमने वो अपनी जो पोथी जिससे पाठ करती थी खोला, तो दैट वॉज रामचरितमानस, जो दोहे में तुलसीदास जी की है। और वो मुझे मेरी शादी के बाद, जैसे घर में पूजा होती है तो वो हमें गिफ्ट कर की गई थी। सो मैंने शादी के बाद वो पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि वो मुझे घर के अपने कुलगुरु से मिली थी। तो धीरे धीरे वो चीज रिवील हुई, क्योंकि गुरुजी एक ज्योत हैं, एक लाइट हैं, वो ओम है महाशिव। उन्होंने हर संगत को, वो जिस जिस रूप में अपने, जिसको ईष्ट मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, क्योंकि मुझे तो तब तक ये भी नहीं पता था कि ईष्ट क्या होता है, क्योंकि हमेशा ओम के आगे बैठ के मेडिटेट किया था। रामचरितमानस पढ़ने को मिली, वो साथ में पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि राम राम घर में जैसे आम सब लोग बोला करते थे, और एक वो फैमिली की वो थी, एंड एज एट द टाइम ऑफ मैरिज आई वाज टोल्ड कि जो चीज हम यहाँ करते थे वो यहाँ होती थी, अब तुम जिस परिवार में जा रहे हो उस परिवार की रीत रिवाज के हिसाब से चलना। बट एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल, कहीं पे कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ अलग चीज है। तो गुरु महाराज का इतना शुक्राना किया, और मन में इतनी खुशी हुई कि देखो गुरुजी को पता है कि मैं रामायण पढ़ती हूँ। लेकिन मन में उस वक्त बहुत जिज्ञासा हो गई थी कि गुरुजी सबको शिवपुराण पढ़ने को कहते हैं, तो अब हमें अब शिवपुराण खुद लेने जाना है या क्या करना है। लेकिन हमारे इस अंदर के सोच से पहले ही एक आंटी ने आके हमें शिवपुराण दिया, कि मुझे ये फीलिंग आई है कि ये एक दो लोगों को जाके शिवपुराण देना, एंड दैट इज हाउ शिवपुराण पढ़ना शुरू हुआ। और वो भी एक उस समय जो संगत पुरानी पढ़ रही थी, आई रिमेम्बर कुकी आंटी ने भी बताया था कि एक अध्याय पढ़ना है, और उसको ये नहीं है कि भाई ये पाठ किसी डर से पाठ करना है, प्यार से पाठ करना है, कि गुरुजी ने कहा गुरुजी दे नाल प्यार होना जरूरी है, गुरुआ तो डरीदा नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब ये पाठ करने लगे और वो सब उसमें सीखा, गुरुजी ने ये सिखाया कि एक निर्मल भाव, जिसको हम अदब कहते हैं, इज्जत कहते हैं, रिस्पेक्ट, वो अपने गुरु के लिए मन में होनी चाहिए, तभी वो प्यार का रूप लेती है। जो ये डर और भय है, ये दुनियावी डर भय होते हैं, लेकिन अपने गुरु के लिए एक निर्मल भाव होगा तो वो भाव पैदा करेगा। तो वो कुछ कुछ चीजें जो गुरुजी डिफरेंट सोर्सेस से सिखा रहे थे, उससे जो धीरे धीरे अंदर चेंजेस आने शुरू हुए, वो एकदम नहीं लगता था कि ऐसे कोई चेंजेस आ रहे हैं, बट उनकी कृपा पहले और अब में अपने आप में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन लगती है, उसके लिए गुरुजी का जितना शुक्रिया करें उतना कम है।
फिर एक टाइम आया जब ये 2010 में सत्संग शुरू हुआ, धीरे धीरे संगत ने मीडिया और व्हाट्सएप के नाम पे बहुत कुछ चीजें होने लग गई और घर में संगत मल्टीप्लाई होने लग गई। अ टाइम केम के समझ में नहीं आता था कि संगत कहाँ बैठे, 200-250। तो गुरुजी ने इनको विजन दिया, बहुत संगत ने रिक्वेस्ट की, आंटी ऐसे कर लो, आंटी ऐसे कर लो, अंकल यहाँ पे दरबार एक्सटेंड कर लो, यहाँ पे चेयर्स लगा लो। लेकिन गुरु महाराज की अपनी लीला वो शायद हमें टेस्ट कर रहे थे। गुरुजी बहुत टेस्ट लेते हैं संगत जी। एक बारी जब उनका पल्ला पकड़ लिया, वो प्यार भी करते हैं लेकिन साथ साथ आपको परखते भी बहुत हैं कि आप उनके बताए रास्ते पे चल रहे हो या नहीं, क्योंकि लोग आपको भटकाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अंकल को गुरुजी ने बड़ा क्लियर विजन दिया, लोका नूं ध्यान लवाना है, पीड़ा नहीं कठियां करनिया। उधर गुरुजी कह रहे हैं कि नवी संगत जोड़ो और इधर ध्यान लगाना है, भीड़ नहीं बढ़ानी। हमें ये मैसेज समझने में दो एक महीने लगे कि इस चीज को कैसे किया जाए। गुरुजी हमें रास्ता दिखाओ, एंड गुरुजी इतने प्यारे हैं, जैसे हाथ पकड़ के आपको उस रास्ते पे लेके आते हैं। गुरुजी ने कपल ऑफ मंथ्स पहले तो संगत को मैसेज करवाना बंद कर दिया, क्योंकि लोग उन मैसेजेस को कोट करके कहां कहां फ्लोट कर रहे थे। उसके बाद गुरुजी ने सत्संग को विराम दिलवा के और पैटर्न चेंज करा दिया। हम बहुत उदास हो गए कि गुरुजी हम कैसे संगत को विराम दें, या आपकी दी हुई दात है। कमली उदास नहीं होना, जोत जलावांगे, कट्ठे बैठांगे, देख की करते हैं अगले महीने। बैठे रहे हम, हमें नहीं पता क्या करना है, संगत के फोन आते रहे। हम एक सत्संग में गए, फरीदाबाद मल्ली आंटी के घर था, वहां पे डॉली आंटी का जेड़ा गुरु चरणाविच आया, वो सत्संग तकरीबन जैसे शब्द खत्म होने वाले थे उस समय वो चला, शब्द के दो घंटे के दौरान में। अंकल कहाँ दूर बैठे थे, मैं कहाँ बैठी थी, उसमें वो लाइन आई सारे, इट्स ब्यूटिफुली पेंड बाय आंटी, और उन्होंने वो कहा कि सुखमनी दा पाठ कराया। तो अंकल मुझे देखते हैं, तो एक इशारा हुआ हमारा और हमने गुरुजी को थैंक यू बोला। हम घर आए, हमने गुरुजी को फिर से पूछा कि गुरुजी क्या करना है, तो अंकल कहते हैं बार बार जो गुरुजी कह रहे थे, क्योंकि एक ड्रीम में गुरुजी ने अंकल को बोला आंटी नु कह आके पाठ करे, और वो सारा बिल्कुल शीशे के दरवाजे और एक एक चीज जब मैंने सारी अंकल को बताई कि दूसरी तरफ कौन सा परिवार लंगर बना रहा है, क्या कहते हैं अब गुरुजी गुस्सा कर रहे हैं कि ओ देख लांगे, तू आ जा मेरे को पाठ कर। और उस वक्त जब पाठ कराया था, दैट वाज सुखमनी साहेब जी का गुटका, तो गुरुजी ने कैसे अपने बताए रास्ते को वैलिडेट किया और हमें हाथ पकड़ के उस रास्ते पे चलाया। तो 2-3 महीने संगत जी, वो शायद गुरुजी की एक लीला थी कि थोड़ा बहुत संगत को थिन करना है, क्योंकि ध्यान लगाने के लिए बहुत सारी संगत हो तो वो डिस्ट्रैक्शन होती है। और अप्रैल का सत्संग गुरुजी ने जोशो खरोश से, वो नाचते टापते जैसे बड़े मंदिर में फंक्शन में होता था, उस तरह से हुआ। तो संगत जी, किस किस चीज का इंसान गुरुजी का शुक्राना करे, गुरुजी से किस किस दात के लिए, किस किस प्यार के लिए, किस किस सीख के लिए हम उनका शुक्र करें, वो कैसे हमें एक प्यारे से फूल में बड़ा कर रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी थैंक यू, आप सिंस आई हैव कम टू, I have touched your lotus feet, my soul is blooming and blossoming. Thank you, Guruji. तो संकट जी, इस तरह से ये हमारी जर्नी गुरुजी के साथ आगे बढ़ती चली गई, धीरे धीरे धीरे।
और आज भी बहुत संगत है ऐसी जो नई संगत सत्संग के साथ जुड़ रही है, गुरु जी के श्री चरणों में आ रही है, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे रूप बदलते जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन किस रास्ते पे चल रहा है। तो गुरु जी की एक वो बात भी याद आती है, मैं बेरी वर्गा चाड़दा ते संगत ते मेरी मुट्ठी च रह जानी है, बाकी भीड़ है। तो मैं गुरु जी से हमेशा अरदास करती हूँ कि गुरु जी उस भीड़ नूं भी संगत बना लो ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप उस भीड़ को भी संगत बना लो। तो आप देखो गुरु जी आगे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब उनको मालूम है, उन्होंने कैसे करना है। संगत जी एक्चुअली मैंने कल परसों में बड़े मंदिर से एक मैसेज आया गुरु जी का आश्रम से। आई वॉज सो डिलाइटेड, सो हैप्पी टू हियर दिस मैसेज, क्योंकि उस मैसेज को सुनने के बाद मेरा एक विजन रिफ्रेश हो गया। क्योंकि एक ये 2009-10 की बात थी, मैं सत्संग नहीं कर पाती थी, मैं बिल्कुल घबरा जाती थी, मेरी टांगें कांपने लगनी, जैसे हार्ट बीट बढ़ जानी, और गुरुजी ने मुझे इतने प्यार से सत्संग करना सिखाया कि मैंने गुरुजी को क्या बोला कि गुरुजी तुसी ते कहंदे हो कि जब तक कोई जड़ा काम है वो पूरा नहीं होवे वो सत्संग शेयर नहीं, वो सुनाईदा नहीं है, ते दसो मैं केड़ा सत्संग शेयर करा। और मैं मेरा सिर नीचे है क्योंकि गुरुजी का इतना नूर होता था कि जरा सा उनके चेहरे की तरफ देखो मन करता था। क्योंकि फर्स्ट विजिट में एम्पायर स्टेट में जब वो अपने रूम से आए थे तो एकदम गोल्डन ह्यू ग्लो करते हुए अपने आसन की तरफ फ्लोट कर गए थे, और जब आसन पे बैठे थे और हम आज्ञा लेने गए थे, जब उन्होंने हमें नमस्ते की और बातें शुरू की, उस समय उनका जो एक ऑरा था, एक हेलो था, वो बड़ा गोल्डन सा ही कुछ था, चमक चमक थी सारी। और जैसे गुरुजी ने पोस्चर चेंज किया था, अपने हाथ इंटरलॉक किए थे, एंड अ लाइट जो उनके हाथ में थी, जो मुझे उनकी वो प्यार भरी ब्लेसिंग्स दिख रही थी, उनकी वो स्माइल, तो वो सारी चीजें देखने का मन करता था, लेकिन आंखें जैसे ही उनकी आंखों तक पहुंचती थी तो वो आंखें अपने आप झुक जाती थी, उनका नूर, उनका वो प्यार जो था उनके चेहरे पे। तो संगत जी गुरु जी मुझे कहते हैं तू ओ छोड़, तू गुरु बारे दस, लोगों नु दस शुकराना किवें करीदा है, बड़े ना शुकरे ने। उन्होंने दो तीन और भी बातें मुझे बोली कि ए भी दस, ए भी कर, और मैं गुरु जी से कह रही हूं संगत जी आप सच में सुन के हंसोगे कि मैंने गुरु जी से बोला कैसे, कि मतलब इतना गुरु जी का प्यार कि आप इतनी सारी बातें उनसे कर रहे हो कि गुरुजी ना ते मैं, सी दिस इज 2010 और मैं गुरुजी को कह रही हूँ गुरुजी मैं कोई तुहाडी 25 साल पुरानी वाली संगत नहीं हाँ, ना मैं मंदिर च कोई सेवादार हाँ, और मैं किथे पावर पोस्ट ते काम करन वाली भी नहीं, वड्डे ओहदे ते नहीं हाँ गुरुजी मैं, ते ना मैं कोई वड्डी सामी हाँ, इत्थे इन्ने वड्डे वड्डे लोग आंदे है, मैं कौन सुनेगा मैनू गुरुजी। और गुरु जी अपना वही ट्विंकल इन हिज आईज और बड़ी स्माइल के साथ देखते जाते हैं और कहते नहीं कमली ओंज शुकराना करना दस, जिवें तू रोंदे रोंदे कहती है गुरु जी पता नहीं तुसी केड़ी वड्डी मुश्किल तो बचा लिया, सॉरी गुरु जी मेरे करके तुसी भी किन्ना दुखी होंदे हो, मेरे रोज दे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंदे है और तुसी किन्ना दुखी होंदे हो। कहते कमली हो ते मैं कहना पाठ कर, गुरुआ वास्ते कोई प्रार्थना नहीं करता, गुरु वास्ते भी पाठ किता करो, प्रार्थना किता करो। सो संगत जी आई रियली डोंट नो कि ये क्या चीजें हैं और आज संगत किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि जो परसों का मैंने वो आपको बताया कि मैसेज सर्कुलेट हुआ सुना, तो संगत जी एक एक चीज बड़े मंदिर से बड़ी क्लियर और क्रिस्प उसमें आप सबके सामने आई है। तो
गुरुबानी के लिए उन्होंने बोला कि गुरुजी ने जो हमें रास्ता दिखाया संगत जी, हम उसी सही रास्ते पे चले, हमें लोगों की बातों में आके भटकना नहीं है। और मेरा भी वो विजन था जो गुरुजी ने मुझे 2010 में दिया। फिर 2015-16 में एक अंकल और आंटी हमारे घर आए थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा है ओदी सेवा टिल्ली पै गई है, उन्हें जाके याद कराओ, ऐ सेवा मैं होर भी कईयां नूं दित्ती है, उन्हें भी कहो उन्हें सेवा है पूरी करनी है। गुरु जी, गुरबानी में जो चेंजेस होते जा रहे हैं आजकल, वो सच में समझ से बाहर है। बड़े मंदिर में जो शब्द चलते हैं, अगर संगत जी आप वो शब्द सत्संग में चलाएं, आप देखिए गुरु जी का ऑरा, गुरु जी की क्या एनर्जी आपको मिलती है। हेयर आई कैन शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस। एक शब्द है औखी घड़ी ना देखन दे, जो आज के टाइम में भी इतना रेलेवेंट है जिस हालात से हम आज गुजर रहे हैं। ये शब्द के लिए मुझे डीजे आंटी ने सत्संग सुनाया, हम दोनों बैठे थे उस समय, कोई तीसरा नहीं था। मैंने आंटी से इस शब्द को लेके अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आंटी कहते हैं सरता आंटी तनु पता है जिस दिन ए कैसेट छोटे मंदिर आया, उस वेले गुरु जी ने ए पूरा जब कैसेट सुन लिया, ऐ शब्द पता नहीं किन्नी वारी सुनिया, और पूरे छोटे मंदिर च अगे पिछे चलदे रहे। उस वेले जोशी अंकल सिगे उत्थे, विपी अंकल सिगे, और गुरु जी ऐ अंकल नू कदे कहना डीजे अंकल, कदे कहना सरदार अंकल, ते कदे रजिंदर कह के बुलाना। कहते उन्हों कहते अज शामी ऐ शब्द चला दें। So Sangat Ji, he blessed that Shabad for all the Sangat, not only for a couple of people there. और ऐसे ही एक और शब्द, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोई। शब्द तो सारे जो गुरु जी ने ब्लेस किए हैं आप बड़े मंदिर में सुनते हो, तो कोशिश करो संगत जी के वही शब्द सत्संग के दौरान चलाओ। आपका जो मन है, जो चीज है, क्योंकि गुरु जी ने आपको सीखने के लिए कुछ मना नहीं किया। आपको जहां से अच्छी शिक्षा मिलती है, कई बार आपके बच्चे ही आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, प्यारी प्यारी बातें, लेकिन सत्संग के दौरान प्लीज गुरबानी के वही शब्द चलाइए। ये मेरे भी हाथ जोड़ से के सारी संगत से एक रिक्वेस्ट है। तो सतगुरा वाले शब्द पे, जैसे एक संगत ने ना गुरु जी को ये दो वर्ड्स बोल दिए कि गुरु जी सच में हम आपके बिना कुछ नहीं है, तो गुरु जी ने ना ये तीन चार शब्द बोले थे उस समय, तो मैं ही तो लिखे। सो संगत जी, बानी रिटन बाय आर गुरु जी, ओम रूप महाशिव, ये सारी शिव पुराण गुरु ग्रंथ साहिब जी उनके लिखे हुए हैं, वी हैव टू फॉलो व्हाट ही सेज। उन्होंने एक सीधी सी चीज सारी संगत को बोला कि गुरु अपने डिसिप्लिन फॉलो करो। और डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन खाली चुप रहना डिसिप्लिन नहीं है संगत जी। मेरे विचार से बहुत डिसिप्लिन हर फील्ड में सामने आता है। आज आप देख रहे होंगे ये मीडिया का शब्द, मुझे लगता है गुरु जी इसीलिए मना करते थे कि ज्यादा लोग जो है मीडिया का मिसयूज करेंगे, प्रॉपर यूज बहुत कम लोग ही करेंगे, क्योंकि फोटोशॉप हो रही हैं, गुरु जी के स्वरूप एडिट हो रहे हैं, गुरु जी के स्वरूप के ऊपर कितनी कितनी मैसेजेस लिखे जा रहे हैं। रिसेंटली मैंने गुरु जी के स्वरूप देखे, जो गुरु जी का ओरिजिनल स्वरूप येलो चोला में है वो किसी ने हरा किया हुआ है, किसी ने नीला किया हुआ है। सो संगत जी प्लीज प्लीज, जिसको कोई ऐसी चीज दिखती है, जिस नंबर से वो आती है, आप प्लीज उस नंबर पे फोन करके बैक चेन करके पूछिए और संगत से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो चीज ऐसे ना करें। एंड यू मस्ट हैव सीन नंबर ऑफ मैसेजेस जो आजकल चल रहे हैं। आई रिमेम्बर 2010-11-12 में भी, या जब व्हाट्सएप ज्यादा थोड़ा शुरू हुआ था, मुझे तो गुरुजी ने बहुत लेट अब व्हाट्सएप पे आने दिया। अंकल मुझे कहते थे देख ये रोज कोई गुरुजी का हुक्मनामा आ जाता है, ना गुरुजी ने कभी सरमंस किए, ना कभी प्रवचन दिए, प्रैक्टिकल गुरु हमारे सब कुछ सामने करके दिखाया।
तो उस वक्त भी हम वन टू वन पे लोगों से फॉलो करते थे स्वरूप के लिए, ये भी गुरु जी ऐसे नहीं करते थे, प्लीज अगर आप इतना अच्छा लिख रहे हो, आपके मन की थॉट है, आप अपने पास से रखो, गुरु जी के नाम से इनको यूज मत करो, क्योंकि गुरु जी ने ना कभी इतनी बड़ी बातें सिखाई ना बोली, और ना उन्होंने कभी ऐसे काम करने को कहा। आजकल तो पता नहीं गुरु जी इज ग्रेस, गुरु जी ब्लेसिंग, गुरु जी के मन की बात। संगत जी, मन बहुत दुखता है, हम सब जब गुरु जी को मानते हैं तो प्लीज प्लीज गुरु जी की कही बातें भी माने। और उसके बाद मैं सबसे हाथ जोड़ के एक सेवा के लिए निवेदन करूंगी कि ये सेवा खाली मंदिर मैनेजमेंट की नहीं है, मंदिर के कोर ग्रुप की या कुछ सेवादारों की नहीं है, ये हम सब की इंडिविजुअली सारी गुरु संगत की सेवा है कि जो परसों मैसेज हमें मिला है उसे हम हर संगत तक पहुंचाएं। हम कब तक बैठे हैं किसी को नहीं पता, जितने सालों से हम जुड़े हैं हमसे भी कई सीनियर हैं, और इस पेंडेमिक में तो गुरुजी ने हमें और सामने से दिखा दिया है कि उम्रा ते नहीं जाना, कमाइयां ते जाना है, जो गुरुजी के वचन आज भी मुझे याद हैं, ये मेरे कानों ने सुने हुए हैं, उम्रा ते नहीं कमाइयां ते जाओ। सो गुरुजी के कहे अनुसार संगत जी इतनी अच्छी कमाइयां करो कि जब हम उनके सामने मत्था टेकें तो हम वो हमें प्यार से देखें, ना कि उनके मन में हमारे लिए कोई रोष हो कि मेरे बच्चे ये क्या करके आए हैं। तो संगत जी, ये गुरु जी की लेगेसी है, हमें गुरु जी की माननी है, अगर हम गुरु जी को मानते हैं तो यहाँ पर आई डोंट नो, मेरे पास पता नहीं, मैं बोलती जा रही हूँ, टाइम होगा अंकल? जी आंटी, आप एक आधा सत्संग शेयर कर सकते हैं? अच्छा नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ गुरुजी की बातें याद आ रही थी जो उन्होंने हमें ओवर द पीरियड सिखाई, तो अ कपल ऑफ थिंग्स जो मन में आ रही हैं कि मानो ना मांगो मत मानो, वो तो सब बहुत पुरानी चीजें हो गई, लेकिन गुरुजी ने एक ये कहा है कि गुरुजी ने हमेशा कुछ चीजें जो बताई कि मंदिरों च कुछ नहीं पिया, तुसे अपने अंदर चाती मारो, अपना पांडा साफ करो, और भांडा कैसे साफ करना है, वाणी के जरिए, रिचुअल्स में नहीं पढ़ना हमें, गुरुजी हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है कि हमें अपने कर्म कटवाने हैं, जब गुरुजी इतना सारा अपने ऊपर लेते हैं वो हमें कर्म भोगने नहीं देते, वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं, और बड़े प्यार से, कितना सिंपल तरीका है, सत्संग सेवा और सिमरन, और वो कहते हैं बस प्यार करो, प्यार बनो, प्यार बांटो, कितनी प्यारी छोटी छोटी सीधी सीधी चीजें हैं, जिसनू मंदे हो उस वास्ते थोड़ा जिहा टाइम कड्डो, कोई एक चंगा काम कर लो, चंगा नहीं कर सकते किसी का माड़ा ना करो, और गुरु वास्ते भी प्रार्थना करो, जो मैंने आपसे पहले शेयर किया कि पाठ करो। इसी तरह से गुरु जी ने एक दो और छोटी चीजें, वही जो शिव पुराण, सुखमनि साहिब, इन चीजों का पाठ करो, इनसे क्या होता है कि हमारे आसपास की वाइब्रेशंस चेंज होती हैं और नेगेटिविटी कम होती है। आप संगत जी ये चीजें आजमा के देखो, जैसे आज के समय में सारी संगत या हर इंसान अपने अपने देवी देवता, जिसको भी जो मानता है, क्योंकि गुरु जी ने कभी किसी को किसी चीज में नहीं बांधा, वो कहते सिर्फ एक कश्ती पे सवार होके चलो और प्यार करो, एंड ही ऑलवेज सेड असली चीज कोई नहीं मांगता। सो गुरु से गुरु को मांग लो, गुरु से प्यार मांग लो, और प्यार करने की ताकत मांग लो, जिसकी मदद कर सकते हैं वो करें। सो ये छोटी छोटी चीजों के साथ, और इस वक्त जो सब तरफ से हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबल गुरु संगत, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम उन दो तीन छोटी चीजों को फॉलो करें। मैं उसमें एक अपनी तरफ से चीज ऐड करूंगी, जो मैं लास्ट ईयर से अंकल के साथ बोलती हूँ या अपने आसपास जिनसे बात होती है, कि प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग मत करो, फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन सोशली हम कनेक्टेड रहें, हम अपने गुरु महाराज की महिमा करें, प्यार बांटें, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, तो सब गुरु महाराज के सामने अपना अपना दुख शेयर करें, और एक दूसरे को उनके कहे अनुसार बी लव एंड
डिस्ट्रीब्यूट लव एंड जस्ट वो गुरु का प्यार आपके आपसे ऊज आउट होना चाहिए कि हाँ ये गुरु की प्यारी संगत है. सो गुरु जी ऑन दिस नोट मैं यही आप अरदास करूंगी जो अंकल ने भजन चलाया, तेरिया चरना च मेरी अरदास दाता, हर पल बनदा रवे मेरा विश्वास दाता. शुक्राना 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 गुरु जी फॉर एवरीथिंग एंड फॉरगिवनेस गुरु जी फॉर माई एनी रॉन्ग डीड्स इन दिस लाइफ टाइम और इन एनी प्रीवियस लाइफ टाइम्स. आप बख्शनहार हो, बख्श देते हो, अपने चरणों से जोड़े रखना मेरे मालिक. जय गुरु जी.